हेलो इंडिया चैनल में सभी भाइयों का स्वागत है। इस चैनल पर हम भारत के भूत भविष्य और वर्तमान क्या क्या चीजें पर आपको गर्व होना चाहिए, ये सभी चीजें इस चैनल पर हम आपको बताएंगे। जो आज हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं उसमें सबसे पहले है कि एंशियंट इंडिया में साइंस का महत्व क्या था और किस तरीके से साइंस काम करता था। उसके लिए सबसे पहले बता दें हम आपको, जो सबसे पहली चीज है, जो छोटे भाई भी हमारे सिक्स्थ या सेवन्थ में पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, शायद उन्हें ज्योग्राफी को पता ना हो कि हिंदी में क्या बोलते हैं। हम बता दें ज्योग्राफी को बोलते हैं भूगोल। अब भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल का अर्थ है कि पृथ्वी है गोल। तो मतलब कि हमें पहले भारत वालों को यह पता था कि पृथ्वी, हजारों साल पहले पता था कि पृथ्वी गोल है, कोई भूगोल नया शब्द नहीं है, हजारों साल पहले पता था। इसमें ऐड हम कर दें कि आपको पता है कि पृथ्वी को हम कह देते हैं जगत। अब जगत को अगर हम तोड़े, जिसकी गति है, अब कहने का मतलब है कि हमें यह भी पता था कि गति है पृथ्वी की, हमें हजारों साल पहले पता था कि पृथ्वी की गति है, पृथ्वी रोटेशन करता है और रेवोल्यूशन करता है। तो ये हमें आज नहीं, जो साइंस वाले कुछ अंग्रेज 100-150 साल पहले उन्होंने बता दिया कि आपकी पृथ्वी घूमती है या रोटेशन करती है या रेवोल्यूशन करती है, ये हमें हजारों साल पहले पता था भारत वालों को। तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए, सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। इसमें एक और रोचक चीज हम आपको जोड़ दें, एक तारा है एंटेरस। एंटेरस को कहते हैं ज्येष्ठ तारा। अब ज्येष्ठ को हिंदी में जिन्हें आती है उन्हें पता होगा, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा एंटेरस जो तारा है वो रोशनी के मामले में सूरज से बहुत पीछे है। सूरज सबसे ज्यादा चमकता है, एंटेरस चमकता है 15वें नंबर पर, मतलब कि शाइनिंग स्टार है 15वें नंबर पर। जब भी हम उसे ज्येष्ठ क्यों कहते हैं? ज्येष्ठ हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो सूरज की तुलना में उसका डायमीटर 700 गुना और वजन 18 गुना है, इस वजह से ही हम उसे ज्येष्ठ तारा बोलते हैं। तो भाइयों, हमें तो यार हजारों साल पहले पता था कि ये तारा सबसे बड़ा है। साइंस आज की देन नहीं है भारत के अंदर, साइंस हमारे वेदों में पुराने समय में पता नहीं कब से विज्ञान था जो हम भूल चुके हैं। अंग्रेज आए, कुछ साल राज किया, अंग्रेजों का राज करना सोना लूटना नहीं था, उनका मकसद था हमारे से हमारा गर्व लूटना। जो वो लूट चुके हैं, हमें आज गर्व नहीं होता है, जो हमारे पास विज्ञान था उस पर हम गर्व नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि विज्ञान था। तो चैनल बनाने का हमारा मकसद यही था कि हम आपको बता सकें कि क्या भारत था और क्या है और क्या होने वाला है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक करें, सभी भाइयों तक आप ये शेयर करना अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इस वजह से कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो ये वीडियो अगर आपको भाइयों पसंद आई है, इसको फैला दो। यहां पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।